नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज कुंभ नगरी, जिसको हम संगम भी कहते हैं, और यहाँ के देवस्थान के बारे में सभी को पता है कि गंगा जमुनी सरस्वती का संगम होता है। और इसी के साथ हमारे संपादक जी अनिल तिवारी जी हमारे साथ में प्रयागराज में मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा कि प्रयागराज और माता गंगा के बारे में क्या इनका कहना है, क्या विचार है। देखो आशीष जी, ये बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं और यहाँ एक माघ का जो महीना होता है, एक महीने का जो मेला लगता है, बड़ा विराट मेला होता है। विश्व में ऐसा मेला कहीं लगता नहीं है। जी जी, ठीक है। और यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का तीनों का जो अद्भुत संगम और जो मिलन होता है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको विश्व में कहीं और नहीं मिलेगा। और यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, जैसा कि कहा गया है, रामचरितमानस में लिखा गया है कि माघ के महीने में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। सुर नर मुनि की नर नर श्रेणी, सादर मज्जन करे त्रिवेणी। तो बड़ी अलौकिक महिमा है यहाँ की और बड़ी अद्भुत महिमा है यहाँ की संगम की। और यहाँ तिवारी जैसा कि कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो गंगा आपका क्या? गंगा तो दर्शनाय मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही पूरी मुक्ति मिल जाती है। स्नान तो बहुत बड़ी चीज हो गई। जी जी, इनका दर्शन हो जाए यही बहुत बड़ी कृपा है। जी जी, जिनको इनका दर्शन मिल जाता है। जी जी, तो स्नान तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी जी, लेकिन दर्शन मात्र से ही पाप सब भूल जाते हैं। बड़ी विचित्र लीला है यहाँ की। और संगम जैसा विराट जगह कहीं आपको नहीं मिलेगी। आप हरिद्वार चले जाएं, आप नासिक चले जाएं, आप उज्जैन चले जाएं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप गंगा जी की थोड़ा सा तस्वीर दिखाएं। तो ये गंगा जी जो हमारी यहाँ है, ये सब देखिए, पूरे श्रद्धालु यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये सब हमारे पर्यटक जी हैं, इनसे कुछ पूछिए कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इनसे जरा पूछिए कुछ। कहाँ से आए हैं जी? हम सीतापुर से आए हैं, लेकिन यही स्टडी करते हैं तो यही रुकते हैं। अच्छा, सीतापुर से आए हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे एसएससी तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बस अभी आई है, अब स्नान करने जा रहे हैं। जी जी, आप सब लोग भी वहीं से आए हुए हैं? हाँ, आगरा से आए हैं।